नमस्कार, मैं वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं धाकड़ है हरियाणा। आज हम यहाँ भिवानी के दादरी गेट स्थित जीतूपति पावन पाठशाला में पहुँचे हैं। यहाँ एससी ओबीसी का राज्य स्तरीय विचार मंथन चला हुआ है और यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बेरी से शिव कुमार रंगीला जी। शिव कुमार जी, स्वागत है। आज आप देरी से आए हैं, क्या उद्देश्य है आज इस मीटिंग का? देखिए, यहाँ पर एससी और बीसी की समृद्ध मीटिंग जो मानी के कैडर जनता, तो जो ये जितनी भी सरकारें आज तक बनी वो एससी और बीसी का शोषण नहीं करती है। वोट वोट का बैंक समझा, सीढ़ी समझते कि वोट भी है, सीढ़ी से चढ़े और सीढ़ी बढ़े। आज इसी पे मंथन हुआ कि एससी और बीसी सब मिल करके अपना आगे का रास्ता तय करेंगे और आने वाले समय में अपनी सरकार। एससी और बीसी संयुक्त रूप से कैसे आ पाएंगे? देखिए, मूल रूप से पीछे की बात की जाए तो सभी के सभी भारत से मूल निवासी, एक परिवार है, एक दिवाली। जब एक परिवार है तो साथ क्यों नहीं रहेंगे, कभी से साथ आगे भी साथ। आज हजारों जातियों में एससी बीसी बैठे हुए हैं और वो अपनी अपनी जाति का ठप्पा लगा कर घूम रहे हैं, तो फिर एक कैसे हो पाएंगे? देखिए, पहले का कोई षड्यंत्र था, लेकिन आज बाबा साहब के विचारों को पढ़ने वाले, बुद्ध साहब के विचारों को पढ़ने वाले, काशीराम जी को जानने वाले लोग आज इन बातों से परे हैं और आज पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते हैं कि छोटी छोटी जातियों में बट करके हम मिल करके काम करेंगे एक परिवार। आज मंच से भी एक बात हुई है, कोई हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो कभी से ये बात करते हैं, ये जाति को सिस्टम हम लोगों का तो बनाया हुआ है। हम लोग तो दूसरे के साथ खाते हैं, पीते हैं, शादियाँ करते हैं, सम्मेलनों में जाते हैं। ये तो जिन लोगों की प्रथा थी उन लोगों ने ये फूट डाल रखी थी, लेकिन अब ये सिस्टम इसको खत्म करने जा रहे हैं। तो संगठन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आज ये छोटी ही विचारक मंथन मीटिंग है, इसके बाद पूरे हरियाणा लेवल पे सबसे पहले तो पिछड़े वर्ग की जातीय जनगणना के लिए जोरदार पुरजोर आवाज़ उठाई जाएगी। चाहे उसके लिए हम लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़े, चाहे जाम लगाने पड़े, चाहे कोई बॉर्डर रोकने पड़े, हम जो भी होगा महिलाएं बच्चे और सब बैठ के आज बात हुई है, सब लोग रोडों पे निकलेंगे और अपनी मांग को मनवा करके रहेंगे, क्योंकि मांगने से कुछ मिलता, जिद करनी पड़ती है, अड़ना पड़ता है और ये हमारा अधिकार है। अगर सरकार इसको दबाना चाहेगी तो हम दबने नहीं। बात आती है सरकार बनाने की, लेकिन कल की हम अगर घटना को देखते हैं तो पूरे देश में इक्का दुक्का एक दो जगह कल की घटना को लेकर के प्रदर्शन हुआ है, लेकिन सब लोग खामोश हैं, क्या कारण है? देखिए, अभी पता चला आज भी कई जगह प्रदर्शन है, कल भी होने वाला है। एक दो दिन में सरकार या तो उन लोगों को सबको पकड़ के अंदर डालेगी, नहीं तो एक ऐसा सिस्टम होगा जैसे कि 2 अप्रैल पे एससी संशोधन पे जो हुआ था उससे बड़ा बवाल होगा, क्योंकि हमारे समाज के साथ कुछ होगा तो हम चुप बैठेंगे। हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ है तो उसके न्याय के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम। आप एक कलाकार हैं और कलाकारी करते हैं, गायन का काम करते हैं, तो आपने अब तक कोई बढ़िया कोई गीत है, कोई बहुत मूवमेंट का कोई गीत बनाया है तो बनाए? देखिए, हम लोग रंगमंच के कलाकार हैं, मेरा हास्य का काम रहा है तो ज़्यादातर मैं हास्य पे ही काम करता हूँ, तो मुझे लोगों को हंसाने का काम, वो एक अलग दुनिया, लेकिन सच्चा जीवन और सच्ची लड़ाई तो मेरी समाज के हक़ों में। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ शिव कुमार रंगीला जी, जो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश। जय भीम। इसी मरी मरी आवाज तक क्रांति नहीं आ सकती। जय भारत। जय भीम। आदर व सम्मान के योग्य मंच पर आसीन नेतागण, सामाजिक चिंतक, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत। आज ये जो प्रोग्राम है, ये सच्चाई तो ये है कि एक कैडर, एक मंथन, ये कोई सभा नहीं है। यहाँ बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, बड़े बड़े ज्ञानी प्रोफेसर आए हैं, कैडर लगाए हुए लोग आए हैं, सभी से अच्छी अच्छी बातें सीखी। बाबा साहब ने हमें क्या दिया, ज्योतिराव फूले जी ने हमें क्या दिया, काशीराम जी ने हमें क्या दिया, लेकिन बात रहती कि हमने क्या किया।
जो हो गया वो हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार जनसभाओं में सभाओं में जा रहे, कैडरों में जा रहे, उनको सुन रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कितना किया, उस पे चले कितने। काशीराम जी ने एक बात कही थी, मैंने एक पुस्तक पढ़ी है चमचा युग, आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब बाबा साहब जी संविधान इस देश को समर्पित करने के बाद अपने एक अकेले रूम में जाकर के लाइट बंद करके बैठ गए थे, तो पंजाब से जो उनके ड्राइवर थे उन्होंने पट्टी चासी तो जैसे देखा कि बाबा साहब बैठे बैठे आंखों में आंसू थे, रो रहे थे, तो उन्होंने बाबा साहब से पूछा, तो आपके लिए बहुत बड़ा दिन होना चाहिए, आपकी जो मेहनत थी, जो आपने दिन रात जो मेहनत की, वो आपने अपने समाज के लिए, आने वाले बच्चों के लिए वो आपने आज लागू तो करवा दी। बाबा साहब की आंखों में आंसू इसलिए थे, उन्होंने कहा कि मैंने संविधान लिख दिया, समर्पित भी हो गया, लेकिन लागू करने वाले वो लोग बैठे हैं जो इसको लागू होने नहीं देंगे। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमें आरक्षण मिले, वो तो हमें वोट का अधिकार चाहते थे। ये थोपी व्यवस्था है गांधी जी की, हमें बहकाया गया। काशीराम जी ने लिखा चमचा युग, अब पीछे बात चली थी संविधान में 127वां संशोधन, कितने लोगों ने प्रदर्शन किए बताइए, कौन बोला, किसकी स्टेटमेंट आई। मैं पूछना चाहता हूं कि संसद सांसद और राज्यसभा में कितने हमारे सांसद हैं एससी और बीसी के, कौन बोला, किस पार्टी का आदमी बोला, कोई नहीं बोला। बाबा साहब और काशीराम जी की यही बात आई कि हमने वो सांसद चुन के नहीं भेजे, हमने वो चमचे चुन करके भेजे। पार्टियां ऐसे आदमी को बिल्कुल टिकट नहीं देती जो समाज की बात करे, जो एससी की बात करे, जो बीसी की बात करे, जो इनके अधिकारों की बात करे। हमेशा ये लोग तो ताक में बैठे रहते हैं कि ऐसा नेता ढूंढो जो लालची हो, अपने समाजों को धोखा देने के लिए कुछ भी कर दे, और वो एससी बीसी के नाम पर वोट ले जाकर के वहां बैठते कि आपकी आवाज उठाऊंगा। और 127वां जब संशोधन हुआ, सभी की सभी पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे लोकदल हो, चाहे बीजेपी हो, सभी की पार्टियों के सांसद ने एक मत से उसको पास कर दिया कि राज्य के पास ये अधिकार होना चाहिए कि बीसी समाज में, ओबीसी में, चाहे जिसको संशोधन करके निकाल दें और चाहे जिसको ले लें। कोई बोला, सन्नाटा क्यों, मैं पूछना चाहता हूं कि कोई बोला क्या, तो क्या विश्वास किया जाए कि रंगीला चुन करके जाएगा और हमारी बात करेगा। एक बात और मैं बार बार करता हूं कि चुनाव होते हैं, दो साल तक हम लोग कुछ नहीं बोलते, जब दो साल बीत जाते हैं हम लोग निकल के आते हैं, ओबीसी का संगठन बनाएंगे, एससी का संगठन बनाएंगे, मिलके काम करेंगे, जनसभाएं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग डेढ़ दो साल तक खूब सभाएं करते हैं, खूब काम करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, भीड़ करते हैं, रैलियां करते हैं। सभी पार्टियों की रैलियों में 90% भीड़ हमारी होती है, और जब भैया एक साल रह जाता है, मैं पूछना चाहता हूं कि संगठनों के लोग, वो मीटिंग है, वो पंचायतें, वो रैलियों के लोग होते कहां हैं। उन्हीं पार्टियों के झंडे, उन्हीं के बैनर उठाए हुए गली गलियों में घूमते हैं। राजकुमार सैनी जी आए, एक आंदोलन खड़ा हुआ, बड़ी बड़ी रैलियां हुई। सच्चाई की बात है कि जितनी भीड़ प्रधानमंत्री की रैली में नहीं होती थी, इतनी रैलियां उसमें भीड़ होती थी, लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकला। 2016 में हम लोग निकल के आए थे, दो साल मेहनत की, आखिरी के एक साल में खत्म। अब फिर नोट करो, वही दो सवा दो साल हुए, अब फिर सड़कों पे आ गए। दो साल जूतियां तोड़ाओगे, इकट्ठे होगे, चंदे दोगे, खर्च करोगे, रिजल्ट क्या होगा, जब साल छह महीना लगेगा फिर उन पार्टियों के पीछे होगे।
मैं गलत कह रहा हूं तो कोई उठ के बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आप में हिम्मत है इसको रिजल्ट तक ले जाने की तो आप बात कीजिए, ये मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं जो मैंने 10 साल में देखा, मुझे पहले का नहीं पता। महापुरुषों की जीवनी और बातें बड़ी अच्छी लगती, सुनते हैं गर्व होता है, ऐसा हो जाता है जैसे सनी देओल की फिल्म देख के निकलते कि एक बात मारा दे। लेकिन इंप्लीमेंट कितना, अब हम कर क्या रहे सिवाय जनसभाओं के। कुछ लोग तो ऐसे है कि बुरा काम करके भी रोड को जाम कर दे, किसी की मदनी का खुलवा ले, उल्टा काम कर पुलिस पकड़ ले तो भैंस ले जाकर बुढ़द ले जाकर थाने के मैं बैठ जाए, और जब तक खाली ना करते जब तक उन्नत केस ना खत्म नहीं कर देते। और हमारा कोई आदमी अगर कोई अपने समाज के लिए काम करने के लिए किसी क्रांति में पकड़ा जाने का ठीक कट्टा रोग। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक हो साथ चलो। एक तो अभी प्रोफेसर साहब ने बोला था कि जनगणना वाली बात, भाई टाइम रखो और जहां तक हो सके एक टाइम रख करके और बिल्कुल पूरे देश में पूरे प्रदेश में झंडा उठा करके रोड पे बैठने की हिम्मत हो और बैठो। जनगणना होगी तो आगे का रास्ता निकलेगा, ना रास्ता निकलने वाला नहीं है। एक बात मैं और बोलूंगा, समय बहुत कम है, कैसी समाज से हमारे हरियाणा में 17 सीटें मिलती विधानसभा की, 18वां नहीं बनता। सच्चाई तो क्या 18वें पे कोई लड़ने की कोशिश भी नहीं करता, क्यों भाई? बाबा साहब ने यह अधिकार तो दिया पर यह तो नहीं कह के गए कि 18वीं 19वीं 20वीं पे नहीं लड़ना। मैंने अभी चुनाव लड़ा था बेरी से, जिर जनरल भाइयों को पता नहीं था, बोले भाई तो कुमार है बेरी रिजर्वेशन है के, मतलब बावली बूच बैकवर्ड का राजनीति में रिजर्वेशन को नकन बेरा तो हथ भी को नहीं। उन लोगों को कुछ नहीं पता, बस पता है क्या, वो लोग ये देखते कि जो पैर आने लग रहे हैं, जो वोट मांगने लग रहे हैं, मारा है। जितनी ये बात हम सीख लेंगे ना, कोई हराने वाला नहीं है, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। और रही भाई 17 सीट, गुरु जी कह रहे थे कि 17 सीटों पर भैया आधी आधी SC BC करकन लड़ो, आधी आधी क्यों, 90 की 90 पर समीकरण बिगाड़ो, सारा लड़ो। काशी राम जी ने एक बात कही थी, क्या हराने वाले बन जाओ, जीत एक दिन अपने आप जाओगे। और ये मैंने किया। कुछ मेरे साथी ये बोले, मैं कहना चाहूंगा आखिरी बात बोलूंगा, मैंने चुनाव लड़ा बेरी से, एक नोला मैं 5 लाख दूंगा, एक नोला मैं 5 लाख दूंगा, मैं 2 दूंगा 3 दूंगा, ढूंढे नहीं पाए, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं लड़ रहा था। जो लोग मेरे को बोल रहे थे कि लड़ना है, 3 साल पहले ये सोच गए थे टिकट मिले ना मिले हम लड़ने के लिए आए, और हम लड़े। आज वो लोग पीछे से पता क्या करते, हम तो नाट्या करते, भाई तू तो नाट्य था, मेरा भीतरला तो ना नाट्य था, जीता तो कोना, लेकिन जिस पार्टी का घमंड था ना उसके कैंडिडेट ने कति नाले में गोड्डा गोड्डा गोकर जब आया, यह मेरी जीत थी। तो मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हर तरह से तैयार है, 5100 रुपये मैं अपनी तरफ से दे करके जाऊंगा, जैसा मेरा ब्योत है, आगे भी जैसा होगा मैं सहयोग करता रहूंगा। गानियां बजानी आदमी हूं, रात ने भी जागरण करता हूं, भगवान के समय 1 सेकंड नहीं सो रहा, और रात ने फिर जागरण में जाना, लेकिन समाज के लिए हमेशा समर्पित है। जो भी सहयोग होगा करेंगे, जाना होगा अगर भाई जिस सर फोड़ने होंगे फोड़ांगे, और जिस फोड़वाने होंगे फोड़वाओगे, लेकिन क्रांति तो करनी पड़ेगी, बिना क्रांति के रास्ता नहीं निकलने वाला। एक बार जोर से जय भीम, जय भीम। और एक बात ना पकड़ लो, बाकी काम पीछे कर लेंगे, बिना दो बिना डेढ़ बिना पड़ा है बैकवर्ड की जातिगत गणना के लिए। एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, पक्का सबूत है, अधिकारी का फोन मेरे पास परसों आया था, मुझे और प्रदेशों का पता नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट 200% जातीय गणना कर रही है, लेकिन अब अपने लिए कर रही है। जो आप लोगों के फैमिली आईडी कार्ड या वो बने आपके पास कॉल आ रही है या घर के आगे आदमी आ रहा है, हर नगर पालिका को हर पंचायत को जिम्मेवारी सौंपी गई है कि जाओगे हर घर का जातिगत डाटा इकट्ठा करके 15 दिन में दोगे, 15 दिन में जातिगत डाटा इकट्ठा करके देने लग रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैंने उसको कहा भी कि भाई कोई लेटर जारी हो रहा है क्या सरकार का या कोई कोर्ट का आदेश हो तो मेरे को बता।
तो मैं आपको कह रहा हूं कि हर पार्टी के पास डाटा होता है, हम पार्टियों में भी गए हैं, काम भी किया है, बीजेपी के पास भी है, कांग्रेस के पास भी, हर पार्टी के पास है, लेकिन यह क्या करते हैं कि अपने तौर पे करवाते हैं। आप खुद इनको जातिगत गणना करके देते हैं। जब भी हम राशन कार्ड का फॉर्म भरते हैं, एक आदमी नु कहो मैं जाति ना भरता, कॉलम होता हर आदमी भरता है, सरकार एक मिनट में उठाकर हर गांव में हर जगह बेरा होता है किस गांव में किस गली में किस जाति की कितनी वोट है। लेकिन आपको जिद करनी पड़ेगी कि गणना हो और उसको सार्वजनिक करें। ये जीत हमारी होगी तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। जय भीम, जय भारत।